हाँ जी नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका हमारे अपने YouTube चैनल सरकारी अपडेट और विजय क्लासेस में। दोस्तों आप सभी के लिए ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आए हो। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा रिजल्ट को लेकर बड़ी खुशखबरी आई, बोर्ड का बया बया। जी हाँ दोस्तों, आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का परिणाम कब आएगा, किस तारीख को आएगा, कितने दिनों में आने वाला है। ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के अंदर देने वाला हूँ। नॉर्मलाइजेशन होगा या नहीं होगा, सारी जानकारी इसके अंदर देने वाला हूँ। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, वीडियो को जरूर लाइक करना। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। ये दोस्तों देखिए, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा का परिणाम परसों जारी हो सकता है। इस बार सप्ताह न देकर ये सीधा सीधा बताया उपेन्द्र यादव ने, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का परिणाम परसों जारी हो सकता है, यानी परसों जारी होने की पूरी परी संभावना है। प्री परीक्षा में 80,000 प्लस अभ्यर्थियों को पास किए जाने की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, प्री परीक्षा में 80,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को पास किए जाएंगे। ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ग्राम विकास अधिकारी भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है, ऐसा उपेन्द्र यादव ने कहा है कि ग्राम विकास अधिकारी भर्ती का परिणाम परसों जारी होगा। इस बार पहले सप्ताह दिया जाता है, अगले वीक जारी होगा, अगले वीक जारी होगा। इस बार अगले वीक का न जारी करके सीधा सीधा कहा है कि परसों यहाँ पर जारी होगा। प्री परीक्षा में 80,000 प्लस अभ्यर्थी को पास किए जाएंगे, यानी उपेन्द्र यादव ने कहा है। तो 80,000 प्लस से ज़्यादा, यानी 85,000 के आसपास या 80,000 81,000 ऐसे पास किए जाएंगे। 80,000 से ज़्यादा अभ्यर्थियों को यहाँ पर पास किया जाएगा। इस भर्ती परीक्षा में नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया भी अपनाई जा सकती है, ऐसा उपेन्द्र यादव ने कहा है। कि तब काफ़ी समय से अभ्यर्थियों का इंतजार था कि प्री परीक्षा का परिणाम कब जारी होगा, कब जारी होगा, काफ़ी समय से इंतजार था। अब फरवरी में जारी होगा, मार्च में जारी होगा, अप्रैल में जारी होगा, लेकिन अब यहाँ पर फाइनली यहाँ पर इन्होंने कहा है कि परसों यहाँ पर यह परिणाम जारी होने की संभावना है। परसों यहाँ पर जारी हो सकता है। 80,000 से अधिक अभ्यर्थियों को पास किया जाएगा और नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया यहाँ पर अपनाई जाएगी। तो दोस्तों अभ्यर्थियों को काफ़ी समय से इंतजार था कि परिणाम कब आएगा, कब आएगा। फाइनली परिणाम की डेट आ चुकी है, परसों के दिन आप सभी का इंतजार खत्म हो जाएगा, परसों के दिन परिणाम जारी हो सकता है। राजस्थान के अंदर अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं की जानकारी पाने के लिए हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर जरूर करें। धन्यवाद।